एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2023 की शुरुआत कल से राजधानी रांची में हो जाएगी। रांची के मारांगोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में शुरुआत होगी। चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए भारत, चीन, जापान, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड समेत 6 टीमें रांची पहुंच चुकी हैं। टूर्नामेंट की फॉर्मेट के अनुसार प्रत्येक टीम को राउंड रॉबिन स्टेज में 5 मैचों में शामिल होना होगा। फिर सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 4 सबसे ऊपर की टीमें आगे बढ़ेंगी। 19वें एशियाई खेलों के गोल्ड मेडलिस्ट चीन और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट जापान की टीम निश्चित रूप से सभी का ध्यान खींचेगी। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम भी इस खिताब के लिए प्रमुख दावेदार मानी जा रही है। भारतीय महिला हॉकी टीम का पहला मुकाबला थाईलैंड के साथ 27 अक्टूबर को होगा। फिर टीम इंडिया का मुकाबला मलेशिया के साथ 28 अक्टूबर को होगा। उसके बाद तीसरा मुकाबला 30 अक्टूबर को चीन के साथ और चौथा मुकाबला 31 को जापान के साथ होगा। टीम का आखिरी मैच कोरिया के साथ 2 नवंबर को होना है। इसके बाद नॉकआउट स्टेज के मैच शुरू होंगे। इधर झारखंड विमेंस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी से पहले भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपनी तैयारियों को लेकर मीडिया से बातचीत की, जहां कप्तान सविता पुनिया, कोच जनक चॉपमैन, वाइस कैप्टन ग्रेस एक्का ने टीम की तैयारियों पर मीडिया के साथ चर्चा की। जहां कप्तान सविता पुनिया ने कहा कि इंडिया में लंबे वक्त के बाद इतने बड़े स्तर पर टूर्नामेंट हो रहा है, जो महिला हॉकी के लिए काफी बेहतर है। वहीं टीम की तैयारी पर कप्तान सविता पुनिया ने कहा कि भारतीय टीम की तैयारियां बेहतर हैं। टीम ने पहले ही एशियन गेम्स में बेहतर किया है और इस बेहतर प्रदर्शन से एशियन चैंपियनशिप में मनोबल बढ़ा रहेगा। तो दमखम के साथ उतरेगी टीम इंडिया और उसके लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में ये मैच शुरू होना है और आप देख सकते हैं तमाम टीमों ने प्रैक्टिस किया और खूब जमकर प्रैक्टिस किया। तो एशियन गेम्स महिला विमेंस हॉकी का आगाज होना है और उसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो एशियन गेम्स को लेकर चीन और जापान के साथ साथ भारतीय टीम भी खिताब की दावेदार मानी जा रही है। रोमांचक मुकाबला जल्द ही देखने को मिलने वाला है। निरसा में एमपीएल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। प्रबंधन से 15 लाख मुआवजा और नियोजन की भी गुस्साए लोगों ने मांग की। दरअसल विस्थापित मृतक सुनील मुर्मू के परिजनों ने एमपीएल के मुख्य द्वार के पास शव को रखकर विरोध प्रदर्शन किया। धनबाद में बिजली विभाग में काम करने वाले 582 मेंडिस कर्मचारी वेतन पाकर खुश हैं। पिछले कई महीनों से इनका वेतन बंद था। इसकी शिकायत श्रम विभाग तक पहुंची, जिसके बाद श्रम विभाग ने सख्ती दिखाई और आखिरकार आउटसोर्सिंग कंपनी को झुकना पड़ा और बिजली विभाग के इन मेंडिस कर्मचारियों का महीनों से रुका पड़ा वेतन मिल गया। दरअसल वेतन नहीं मिलने से परेशान कर्मियों ने श्रम विभाग का दरवाजा खटखटाया था। तब जाकर अगस्त महीने तक एजेंसी ने बकाया वेतन दिया। श्रम विभाग की पहल पर बकाया मानदेय भुगतान कर दिया गया है, लेकिन झरिया और निरसा क्षेत्र के ठेका कर्मचारियों के वेतन में कटौती की गई है। दरअसल बिजली विभाग के ये कर्मचारी हर दिन के हिसाब से काम के बदले विद्युत विभाग से वेतन लेते हैं। हम तो झेले हुए। 30 महीने का तो मेरा है। हमारे पास मानव दिवस कर्मियों के द्वारा जो बिजली विभाग में कार्यरत हैं, उनके द्वारा जो शिकायत प्राप्त हुआ था कि उनको जो भुगतान, जो उनका जो मासिक भुगतान है, वो समय नहीं प्राप्त होता है। साथ ही उनका और भी होलीडे एरियर, इंक्रीमेंट एरियर के नाम का जो होता है उनका, वो भी उनका भुगतान नहीं किया गया था। इसके संबंध में श्रम विभाग के द्वारा मेसर्स रॉयल एंटरप्राइजेज को और बिजली विभाग के महाप्रबंधक को पत्र निर्गत किया गया था और उसके माध्यम से यहाँ पर सुनवाई चल रही थी। उसके उपरांत इस महीना में उन लोगों का 4,94,13,329 रुपये का बकाया भुगतान कराया गया। 67 लाख रुपये का होलीडे एरियर का भुगतान कराया गया और इंक्रीमेंट एरियर 20 लाख रुपये का भुगतान किया गया। तो श्रम विभाग के प्रयासों से कुल 5,80,00,000 का भुगतान जो है मानव दिवस कर्मियों को सुनिश्चित कराया गया है
और ये प्रयास किया जा रहा है कि आगे से जो उनका वेतन भुगतान है वो उनको सही समय पर और ससमय मिले, और इसके में अगर किसी तरह की लापरवाही नियोजक के द्वारा मतलब कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा या बिजली विभाग के द्वारा की जाएगी तो उसके ऊपर में इस बार उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपका 2 महीने का भुगतान जुलाई अगस्त का किया है, इसके बाद आपका फिर सितंबर ड्यू हो गया। इसके पहले आपका पहले पी के पंडित कि यहाँ हम लोग का ड्यूज था, छुट्टी का पैसा ड्यूज था और ईपीएफ का पैसा था जो जमा नहीं हुआ था। रॉयल कंपनी भी न ईपीएफ का ईएसआई कुछ भी पेमेंट नहीं कर रहा, सिर्फ 2 महीना का भुगतान किया है। बाकी हम धन्यवाद देंगे रंजीत बाबू को, श्रम डिपार्टमेंट को, इनके दबाव में आकर वो 2 महीना का पेमेंट हुआ। बाकी अभी क्या क्या बकाया है आप लोगों का? ईएसआई बाकी है, ईपीएफ बाकी है, छुट्टी का पैसा बाकी है रॉयल कंपनी के पास। वेतन पूरा हो गया? वेतन नहीं, वेतन 2 महीना का दिया वो काट के दिया है। जो 26 दिन का वेतन भुगतान होता था वो 22 दिन का तमाम मजदूर का दिया है। लेकिन श्रम विभाग तो कहा कि अप्रैल से अगस्त तक पूरा भुगतान हो गया। वो अप्रैल से नहीं पूरा भुगतान किया है, दो पार्ट में किया है। और रामगढ़ में भाषा खतियान संघर्ष समिति की बैठक हुई। बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि टाइगर जयराम के विचारों को कैसे आगे बढ़ाया जाए और इसे लेकर चर्चा हुई। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के तमाम सदस्य और खासकर युवा वहां पर जुटे और टाइगर जयराम के विचारों को लेकर एक प्रचार अभियान छेड़ने की बात पर सहमति हुई। वार्ड नंबर 31 रामगढ़ जिला में वार्ड नंबर 31 का बैठक हुआ और JBKSS जो जयराम महतो के नेतृत्व में हमारे सभी लोग उनके कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। और आज तक जितने भी नेता लोग आए हैं वोट बैंक बना के चले गए, अपना जो भी पेट भरने का काम किए हैं उसे हम लोग अब विरोध करेंगे। अब हम लोग जाग चुके हैं, अब लड़ाई करेंगे और हम अपना हक अधिकार के लिए आगे बढ़ेंगे, उनके कदम से कदम लेकर चलेंगे और जयराम दादा को मुख्यमंत्री बनाने का कोशिश। हजारीबाग के नवनियुक्त नगर आयुक्त शैलेंद्र कुमार लाल ने पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नगर निगम क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना उनका लक्ष्य होगा। पदभार ग्रहण करने के बाद न्यूज बाइस्कोप से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम सुविधाएं नागरिकों को दी जाएगी, साफ सफाई बिजली पानी पर खास ध्यान होगा और सुनिश्चित करेंगे कि लोगों को ये तमाम सुविधाएं वक्त पर मिल सके और हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र का चौहरमुखी विकास हो सके। और 3 महीना इस बार चल गया है। हजारीबाग में लोगों को जो निगम द्वारा दी जाने वाली जो नगरीय सुविधाएं हैं, साफ सफाई, पेयजल आपूर्ति की जो भी व्यवस्था है या विद्युत स्ट्रीट लाइट आदि की, उन सुविधाओं को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और पूरे नगर निगम के कर्मियों से हम लोगों ने ब्रीफिंग लिया है, उनके सुझाव भी लिए हैं और हम पूरी टीम हजारीबाग के रूप में एकजुट होकर करके अपने सभी रिसोर्सेस को यहाँ के बेहतर नागरीय सुविधा उपलब्ध कराने के परिप्रेक्ष्य में समर्पित करेंगे अपने कार्य। और व्यवहार न्यायालय कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए SP खुद व्यवहार न्यायालय पहुंचे। वहां उन्होंने अधिवक्ताओं से बातचीत की और तमाम सुविधाओं का मुआयना करते हुए वकीलों से बातचीत कर जाना कि उनकी समस्याएं क्या कुछ हैं। इस दौरान उनके साथ DSP संजय राणा और SDPO अनिल सिंह के साथ मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान भी मौजूद थे। पूरे कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए तैनात पुलिसकर्मियों को हमेशा मुस्तैद रहने का निर्देश दिया और साथ ही कुछ पुलिसकर्मियों की संख्या भी बढ़ाने का अपनी तरफ से सुझाव दिया। इस दौरान उन्होंने वायरिंग दुरुस्त कराने का भी निर्देश दिया और वकीलों की परेशानियों को दूर करने का भी आश्वासन दिया। माननीय न्यायालय ने बहुत सारे फोर्स की तैनाती जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी जगह पर की गई है, जिसमें कि जजेस की एंट्रीज होती है उस गेट पर भी फोर्स की तैनाती है और सभी गेट्स पर फोर्स की तैनाती है। जो भी थोड़ी बहुत कमी थी या थोड़ी बहुत दीवारों में रंग रोगन की समस्या
समस्या या कहीं पर कुछ कंसर्न बिना वायर की समस्या थी उसे अविलंब संबंधित पदाधिकारी को दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। और साथ ही अभी माननीय न्यायालय जो है अवकाश घोषित है उसमें, परंतु जो बाकी कार्य यहाँ पर संचालित हो रहे हैं और इस दौरान बहुत सारे चीज़ों पर हम लोगों ने डिस्कशन किया, बार काउंसिल के भी लोगों से डिस्कस किया है, उनकी भी कुछ छोटी मोटी समस्याएँ वो भी सुनी है और सभी को जिला प्रशासन की तरफ से आश्वस्त किया गया है कि सभी जगह पर सुरक्षा की व्यवस्था काफ़ी अच्छी रहेगी और इस बीच जो भी इसमें कमियां हैं उस कमियों को शीघ्र ही हम लोग दूर करेंगे। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है Complete Solution Institute. यहाँ है Smart Classroom, One-to-One Doubt Clearing Session, Ask the Expert, Video Solution और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। Foundation Classes from Class 6 onwards. For your bright future, visit Complete Solution Institute. अब 100 रुपए में मिलेगा 1000 रुपए वाला फन। वो कैसे? अरे वाइल्ड वादी वाटर पार्क पे डिस्काउंट ऑफर दे रहे हैं, अब मात्र 100 रुपए में पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क और ट्रैम्पोलिन बंजी जैसी ढेरों एक्टिविटीज। पर याद रहे ऑफर सिर्फ 30 अक्टूबर तक के लिए है। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880।